हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो का टॉपिक है वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर को कनेक्शन किस तरह से करें। देखिए, हमारे पास एक एम्पियर मीटर है, उससे लेकर 30 एम्पियर तक मापने की क्षमता है। इसका दो एक टर्मिनल पॉइंट है, दो टर्मिनल पॉइंट है और इसका उपयोग धारा को प्रवाहित कितना हो रहा है इसको जांचने के लिए किया जाता है। इसका हम लोग कनेक्शन सीरीज में करते हैं और इसका रेजिस्टेंस लो होता है। देखिए, ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, इसका 0 से लेकर 500 वोल्ट तक मापने की क्षमता है। ये 440 में भी चल सकता है और इसका हम लोग कनेक्शन पैरेलल में करते हैं। देख सकते हैं, इसका दो टर्मिनल पॉइंट है और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। और एक हमारे पास एक बल्ब है, इसका भी कनेक्शन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग एम्पियर मीटर को कनेक्शन करते हैं। देखिए, हमारे पास दो वायर है, एक न्यूट्रल है और एक फेस है। हम न्यूट्रल या फेस किसी एक में इसको हम जोड़ देंगे, एक छोर एम्पियर मीटर के। देखिए, एक छोर जुट गया। देखिए, ये सीरीज में हो गया। अब हम वोल्ट मीटर के पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। अब हम इसका एक छोर यहाँ पे जोड़ देंगे जो फेस में जुटेगा, जो एम्पियर मीटर के दूसरे पॉइंट से निकल कर आता है, और दूसरा पॉइंट हम लोग न्यूट्रल में जोड़ेंगे। देख सकते हैं, ये एम्पियर मीटर हमारा सीरीज में जुट गया है और ये वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में जुट गया है। अब इसका दूसरे हम वोल्ट के कनेक्शन करेंगे जो न्यूट्रल और फेस दोनों में जुटेगा। एक पॉइंट न्यूट्रल है और दूसरा फेस है। देखिए, इसमें फेस में थोड़ा तार छोटा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। इसमें फेस में हम जोड़ देंगे। अब देखिए, अब हम इसमें सप्लाई देते हैं। देख सकते हैं, वोल्टेज शो कर रहा 220 वोल्ट है और एम्पियर मीटर जो अभी शो नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें बहुत कम बिजली खर्च हो रहा है, इसलिए अभी बहुत शो नहीं कर रहा। हाई उपकरण लगेगा जो उसमें बिजली ज़्यादा खर्च होता है, तब ये शो करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।